नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और मिड कैप बाजार के एक और खास सेगमेंट में आज हम आपके सवालों के जवाब लेंगे। आप टोल फ्री नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं जो कि लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, और इसके अलावा व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन शुरुआत मार्केट अपडेट से करते हैं। S&P ने अपनी रेटिंग भारत पे बरकरार रखी है, जिसके चलते बाजार की जो शुरुआत हुई थी वो कमजोर नोट से हुई है और अभी भी लाल निशान में बाजार ट्रेड कर रहा है। निफ्टी में 50 का अंकों की और सेंसेक्स करीब 130 अंक कमजोर है। मिड कैप के शेयर्स पर नजर डालें, मिड कैप इंडेक्स पर अगर एक बार नजर डालें तो वहां पर हरे निशान में कारोबार हो रहा है। मिड कैप करीब 30 अंक मजबूत और स्मॉल कैप से अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, करीब 75 पॉइंट्स ऊपर है स्मॉल कैप इंडेक्स। हमारे साथ सिमी भी जुड़ी हैं। सिमी, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक्स अटन फॉर ज्वाइनिंग अस। और सबसे पहले तो निफ्टी पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। आज हफ्ते की शुरुआत कमजोर हुई है, तो आगे चलकर कौन सा स्तर है जिसको आप वॉच करेंगी निफ्टी में? गुड आफ्टरनून पूजा, निफ्टी का शुरुआत जो है बहुत ही वीकनेस के साथ हुआ है, पर मुझे लगता है कि लास्ट वीक निफ्टी करीब इसी रेंज पर सपोर्ट लिया था, 10,310-10,290। इस रेंज को अगर निफ्टी होल्ड करेगा तो निफ्टी में जो मोमेंटम था लास्ट वीक का वो मेंटेन्ड होगा। मैं अभी भी बाय ऑन डिप्स का ही सलाह दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ओवरऑल बुल मार्केट है जिसमें बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी मेंटेन करना ही है। करेंटली निफ्टी 10,340 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि छोटा मोटा डिप का और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी मार्केट में कोई ट्रिगर नहीं है, थोड़ा सा वेट करना ही बेहतर है। बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अभी भी रखेंगे, 10,280 के नीचे स्टॉप लगाएंगे, और मेरे जो टारगेट मैंने रखा है 10,400 से 450 का टारगेट, वो एक्सपायरी तक आना चाहिए, थर्सडे को एक्सपायरी है, वहां तक मुझे लगता है कि इस बीच में ही शायद 10,400 से 450 के बीच में एक्सपायरी आ जाएगा। तो एक्सपायरी वीक भी है, और जितने भी जानकार से हमारी बात हुई सब यही कह रहे हैं कि 10,420 और 10,450 ये रेंज है जो एक्सपायरी में देखने को मिल सकता है, और स्टॉप लॉस भी आपको सजेस्ट कर दिया गया है। एक बार मिड कैप के पर किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है वहां पर भी नजर डाल देते हैं। आज टेक्सटाइल शेयरों में काफी ज्यादा एक्शन है, वहां पर नजर डाले तो इमामी में आज अच्छी तेजी है। मिडकैप में चढ़ने वाले शेयरों पर बात करें तो इमामी, जीएमआर इंफ्रा, अशोक लेलैंड और आदित्य बिरला फैशन, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनमें की अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 2-3% की तेजी मिडकैप शेयरों में देखने को मिल रही है। और मिडकैप में गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो रिलायंस कम्युनिकेशन में कमजोरी है, अदानी एंटरप्राइजेस, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस और कंटेनर कॉप, ये भी कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। कुछ और शेयर पर नजर डालें तो टेक्सटाइल में आज तेजी है, बॉम्बे रेयन, डॉनर इंडस्ट्रीज, वर्धमान पॉली, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है, देखिए शानदार तेजी है। बॉम्बे रेयन तो करीब 10% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहा है। टेक्सटाइल शेयरों के अलावा आज आईटी शेयरों में जो मिडकैप आईटी स्पेस है वहां पर भी तेजी है, माइंडट्री, फर्सो, साइंट लिमिटेड, इन सभी शेयरों में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा ज्वेलरी सेक्टर्स को आज राहत पैकेज की संभावना की बात की जा रही है। TBZ थोड़ी देर पहले हरे निशान में कारोबार कर रहा था लेकिन अभी लाल निशान में आ गया है। इसके अलावा PC ज्वेलर्स और लिप्सा जैम्स, यहां पर भी मजबूती देखने को मिल रही है, 3-4% की मजबूती के साथ ये सभी स्टॉक्स आज कारोबार कर रहे हैं। चलिए वक्त है दर्शकों को शामिल करने का, और पहले दर्शक हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं, शशिकांत जी जुड़े हैं हमारे साथ। शशिकांत नमस्कार, पूछिए। जी शशिकांत जी, पूछिए अपना सवाल, कहाँ पर निवेश है आपका? मैंने हीरोज इंटरनेशनल के 400 शेयर्स लिए हैं। ओके, 215 के प्राइस में जी। तो अभी 20 दिन हो गए, तो उसका क्या मतलब रिकमेंड किया था मेरे ब्रोकर ने कि वो 240 तक जाएगा और 204 का स्टॉप लॉस दिया था, बट उस टाइम 204 पे वो गया लेकिन वो उसको सेल नहीं कर पाया, अच्छा। और अभी 206 के आसपास ट्रेड करा, तो कितना समय और दे सकते हैं आप? मैं समय अभी 1-2 महीने के लिए दे सकता है। ओके, और आपने जो टारगेट लेके चल रहे थे वो 240 के आसपास का था? हाँ, राइट है। चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। सिमी, रोज इंटरनेशनल ये कैसा दिख रहा है आपको? 240 के लेवल्स जो इनका टारगेट था, इस टारगेट का ये वेट कर रहे हैं, कब तक ये लेवल्स देखने की उम्मीद है? 1-2 महीने का व्यू है इनका। पूजा, चार्ट में तो कोई स्ट्रेंथ है नहीं, पर एक रेंज में स्टॉक चल रहा है, 200 से 210-212 के बीच में ये स्टॉक रेंज बाउंड है। अगर 200 का रेंज टूट गया तो इसमें थोड़ा सा वीकनेस आ जाएगा जो इसको 193 से 194 के बीच में ला सकता है। तो 204 का स्टॉप लॉस अपने नहीं लगाया वो ठीक है, पर आपका नज़रिया भी एक ही महीने का है,
तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा अगर ये स्टॉक 200 का लेवल तोड़ देता है तो। ओवरऑल एक बहुत ही फ्लैटिश चार्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा एटलीस्ट 212-15 के ऊपर जाकर क्लोज करेगा तो 240 आने का फिर भी उम्मीद रहेगा। जब तक इस रेंज के बीच में कुछ बहुत ज़्यादा मोमेंटम आएगा ऐसा नहीं लगता है। एग्जिट बिलो 200, 200 के नीचे अगर आ जाए तो एग्जिट करने की राय हुई, अदरवाइज वेट करिए। अगले दर्शक हमारे साथ महाराष्ट्र से ही जुड़े हैं, जगदीश रानी। जगदीश नमस्कार। जगदीश आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते, पूछिए। मेरा टाटा ग्लोबल मेरे पास है 279 पे जी, 500 शेयर मैंने खरीदे हैं, तो इसका मुझे ये जानना चाहता हूँ मैं कि आगे किधर कहाँ तक मुझे इसका रिटर्न मिल सकते हैं और क्या टारगेट रहेगा आगे? बस एक महीने के लिए, एक महीने के लिए मैं रुक सकता हूँ। ओके, एक महीने के लिए समय दे सकते हैं आप। सिमी क्या सजेस्ट करेंगे टाटा ग्लोबल में एक महीने के लिए, किस तरह के लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं शेयर पे? पूजा, एकदम नज़रिया एक ही महीने का है तो बहुत रिस्की है कोई भी टारगेट देना। टारगेट से पहले मुझे लगता है कि उनको एक स्टॉप लॉस देना चाहिए, क्योंकि उस स्टॉप लॉस को अगर ट्रिगर करेगा तो ये स्टॉक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग दिखा सकता है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग चार्ट है पर एक ही महीने का नज़रिया से अगर कोई स्टॉक में बैठा है तो बहुत रिस्की है इस मार्केट में। 267 के आसपास का बॉटम है, लास्ट 4-5 दिन में ये स्टॉक इसी रेंज के आसपास लो बनाया था। अगर 267 का लो टूट गया और इससे नीचे ये जाके बंद कर गया तो आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो 267 के नीचे आपको स्टॉक से एग्जिट होना है, क्योंकि आपने कहा है सिर्फ एक ही महीना आपको होल्ड करना है। पर अगर आपको इसमें टाइम देना है 6 से 8 महीने या मिनिमम एटलीस्ट 3 महीना भी आप होल्ड करते तो मुझे लगता है कि इसमें उतना पोटेंशियल है कि ये आपको 295 से 310 तक का रेंज दिखा सकता है। पर उसके लिए आपको स्टॉप लॉस 260 का मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप 260 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहते हैं तो बैठिए, नहीं तो आपको उस स्टॉप लॉस के साथ 267 के नीचे एग्जिट होना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया गया है और अपना ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो 3 महीने अगर आप होल्ड करें तो आपको अच्छे लेवल्स 300 के ऊपर के लेवल्स भी आपको टाटा ग्लोबल में देखने को मिल सकते हैं। अगले दर्शक का सवाल लेते हैं, जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं रवि। रवि नमस्कार। नमस्ते जी, पूछिए। हाँ जी, मेरे पास 2980 शेयर है मार्क्स एंड फार्मा के, 108 की रेट से। सर बहुत नुकसान हो चुका है आपको, आपने स्टॉप लॉस कब लिया था आपने ये स्टॉक? मेरे को तकरीबन 3 साल हो गए लिए। 3 साल हो गए आपको? हाँ जी, 3 साल। ओके, क्योंकि आधा हो चुका है आपकी खरीद से ये स्टॉक। बिल्कुल। चलिए आपको राय दिलवा देते हैं, क्योंकि फार्मा शेयर्स हमने देखा भी था काफी टूटे थे ये सभी शेयर्स और आपको भी काफी नुकसान हो चुका है। सिमी मार्क्सन फार्मा 3 साल में जो इनकी खरीद थी वहां से करीब आधा, तकरीबन आधा हो चुका है ये शेयर। आप क्या सजेस्ट करेंगी, एग्जिट की राय देंगी? पूजा, एग्जिट की राय दे सकते थे अगर थोड़ा बहुत ऊपर में पूछा होता तो। अभी करंटली ये सपोर्ट के आसपास चल रहा है, 3 साल में ये स्टॉक एक 38-37 के आसपास सपोर्ट लिया है और अभी ये स्टॉक 40 के आसपास मेंटेन कर रहा है, तो मतलब मुझे लगता है कि 3 सालों का जो रेंज है, जो सपोर्ट रेंज है, वो एकदम मेजर सपोर्ट है। अच्छा। और जब तक वो रेंज नहीं टूटता है तब तक एग्जिट हो जाने का सलाह मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी वीक है और इसमें यहाँ पे और 3 रुपया उनको मैं देखने का इंतजार करने के लिए कहूंगी, क्योंकि अगर ये सपोर्ट नहीं टूटा और इसमें अगर कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट या पॉजिटिव न्यूज या कंपनी का रिजल्ट्स अच्छा आए तो ये स्टॉक एक रिकवरी मोड में जा सकता है, जिसका टारगेट 50 तक भी हो सकता है। क्योंकि ओवरऑल जो रेंज मैं 3 साल का देख रही हूँ वो 37-38 का सपोर्ट देख रही हूँ और 50 से 55 का रेजिस्टेंस देख रही हूँ, तो वहां तक एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकता है अगर ये सपोर्ट होल्ड होता है तो मैं फिलहाल होल्ड करने के लिए कहूंगी आपको। पर अब अगर आप देखेंगे कि 37-38 के नीचे चला गया और स्टॉक लगातार क्लोजिंग देता रहा 2-3 ट्रेडिंग सेशन, तो आपको इस पोजीशन से निकालना पड़ेगा लॉस बुक करके ही। तो कुछ लेवल्स का वेट करिए, 37 के लेवल को देखिए आप, और जरा भी रिकवरी मिलती है तो फिलहाल वहां से एग्जिट करने की राय होगी। थोड़ा और समय आपको मार्क्सिस फार्मा में देने की जरूरत है। अगले दर्शक नागपुर से जुड़े हैं हमारे साथ जतिन। जतिन नमस्कार, पूछिए। जी मेरे पास मन्नापुरम फाइनेंस से 500 शेयर है 106 पे। ओके, कब लिया है आपने ये? ये मुझे मैंने लिया है 3 महीने पहले। अच्छा, 3 महीने पहले लिया है, आपकी खरीद के पास ट्रेड कर रहा है, और कितना समय दे सकते हैं आप मन्नापुरम फाइनेंस में? मैं 3 महीने और रुक सकता हूँ। 3 महीने और हो सकते हैं।
सिमी, मनप्पुरम फाइनेंस यहाँ पर इनको क्या सजेस्ट करेंगी? 3 महीने के बाद भी जो शेयर है वो इनके लेवल, जो इनकी खरीद का लेवल है उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, कुछ स्टॉप लॉस आप सजेस्ट करेंगी और 3 महीने के लिए चार्ट्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? चार्ट्स में स्ट्रेंथ है पूजा, हालांकि उनका उनको ज्यादा भी मतलब थोड़ा सा भी प्रॉफिट नहीं आया है, पर अगर ये स्टॉक 100 से 95 का रेंज होल्ड करता है तो इसमें जो भी बुलिश सेंटिमेंट है वो मेंटेन्ड होगा, तो मैं उनको होल्ड करने का सलाह दूंगी। और 110 से 115 के बीच में ही इसका रेजिस्टेंस है, रिसेंट हाई भी है, वो रेंज क्रॉस करेगा तो ही इसमें फ्रेश मोमेंटम आ सकता है। 112.50 के आसपास ये हाई बनाया था सितंबर के महीने में, तो मैं वो हाई का इंतजार करने के लिए कहूंगी कि वो हाई क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक 120-125 का टारगेट तो मिनिमम दे सकता है। बस स्टॉप लॉस उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, 100 से 95 के बीच में सपोर्ट है, उसी के नीचे अकॉर्डिंगली आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ओके, अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। जोधपुर से हमारे साथ रमेश जी जुड़े हैं। रमेश पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार, पूछिए। मेरे पास एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर और स्पाइस जेट और सुमित इंडस्ट्री, 11,000 शेयर है, ₹16। सुमित इंडस्ट्रीज, एवरेस्ट कैंटो और दूसरा शेयर आपने कौन सा बोला? तीसरा शेयर स्पाइस जेट। स्पाइस जेट भी आपके पास? स्पाइस जेट आपने कब लिया था? ये 3 साल हो गए तीनों। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन पर ले लिए हैं और आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है यहाँ पर, तो आप क्या जानना चाह रहे हैं और कितना समय दे सकते हैं आप? वो लॉन्ग अवधि के हिसाब से पूछना था कि तब कहाँ तक हो सकता है। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो आपको, तीनों ही काफी अच्छे सिलेक्शंस थे आपके। सिमी क्या सजेस्ट करेंगी? तीन इनका सिलेक्शन था, सुमित इंडस्ट्रीज 16 के लेवल पर लिया था, एवरेस्ट कांटो इन्होंने 16 के लेवल पर, और स्पाइस जेट भी इन्होंने अच्छे लेवल पर खरीदारी कर ली थी, लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं। अब यहां से आप क्या सजेस्ट करेंगे, इनको क्या और अच्छा मुनाफा मिलेगा? जी बिल्कुल पूजा, मुझे लगता है कि तीनों चार्ट स्ट्रांग हैं और किसी में भी प्रॉफिट बुक करने का सलाह नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उनको और मुनाफा मिल सकता है, और थोड़ा सा इंतज़ार करने से अच्छा मुनाफा उनको मिल सकता है। 150 से 55 के बीच में रेजिस्टेंस है स्पाइस डेट की, वो रेंज क्रॉस हो जाएगा तो इसमें और फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। EKC 53-54 के आसपास ही रेजिस्टेंस ले रहा है, 55 का लेवल क्रॉस करेगा तो इसमें भी एक फ्रेश मोमेंटम जाएगा, जिसका टारगेट 65 का भी हो सकता है। सुमित इंडस्ट्रीज हालांकि चार्ट में उतना स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा है, पर मेजर सपोर्ट जो है वो करंट लेवल के आसपास है, मेजर सपोर्ट 28-29 के आसपास है, स्टॉक अभी 31 के आसपास मेंटेन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको 29 का ब्रेक डाउन का इंतजार करना पड़ेगा। 29 के नीचे ये स्टॉक चला नहीं जाएगा तो आपको एटलीस्ट 35-36 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, वो मिनिमम टारगेट है जो कि लास्ट 3-4 महीने का रेजिस्टेंस है, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है, पर वो रेजिस्टेंस क्रॉस करके सस्टेन करने लगेगा तो इसमें 40-42 तक की का भी जाने का उम्मीद है। आपको स्टॉप लॉस मैंने दे दिया, उसी को फॉलो कीजिए, आप होल्ड कीजिए स्टॉक, तीनों को ही होल्ड कीजिए। चलिए तीनों ही स्टॉक को होल्ड करने की राय होगी। और कुछ और भी दर्शकों को शामिल करते हैं हमारे साथ, मुंबई से ही योगेश जी जुड़े हैं। योगेश नमस्कार, पूछिए। गुड आफ्टरनून मैम। तो गुड आफ्टरनून। मेरे पास होल्को के 200 शेयर एट द रेट ऑफ 98 एंड सिंटेक्स प्लास्टिक के 200 है एट द रेट ऑफ 95। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मीन्स मतलब होल्ड कर सकते, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिए थे, तो अभी क्या करूँ? चलिए आपको राय दिलवा देते हैं, हल्का नुकसान आपको हो रहा है। सिमी हुडको के चार्ट्स तो वैसे अवेलेबल नहीं होंगे, 7 महीने पहले ही ये लिस्ट हुआ था, बट कैसा दिखाई दे रहा है आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करें तो? और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज 95 के लेवल पर इन्होंने लिया था, यहाँ पर लंबे समय के लिए कैसा दिखाई दे रहा है आपको ये शेयर? पूजा दोनों का ये ऑलमोस्ट सेम टाइप चार्ट है, दोनों में ही कोई ज़्यादा मोमेंटम अभी बहुत ही शॉर्ट टर्म में नहीं दिख रहा है। हाँ दोनों का ही लिस्टिंग रिसेंटली हुआ है, डेटा भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगा, पर मुझे लगता है कि दोनों में ही टाइम देना चाहिए, उनको उनका जो नज़रिया है बढ़ाना है, उनका नज़रिया मैंने सुना नहीं ठीक से, 2 से 3 साल का नज़रिया रख के आपको दोनों को ही होल्ड करना है। मुझे तो लगता है कि आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, कोई ऐड करने का ज़रूरत नहीं, जो भी पोजीशन है होल्ड कीजिए, ऐड करने के लिए आपको ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा। हार्डको के लिए मुझे लगता है कि 90 से 92 का रेजिस्टेंस है, जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, जिस दिन ये स्टॉक उस रेंज को क्रॉस करेगा उस दिन आप एडिशन करने का सोच लीजिएगा। सिंटेक्स प्लास्टिक भी 96-98 के बीच में ही रेजिस्टेंस ले रहा है,
तो 100 का लेवल पहले पार करने दीजिए, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा अभी वो, क्योंकि पहले जो लिस्टिंग के बाद जो मोमेंटम था उसके बाद जब से ये 100 का रेंज तोड़ा है तब से इसमें वीकनेस है। अब 100 का वापस साइकोलॉजिकल हार्डल क्रॉस हो जाएगा तो इसमें फ्रेश मोमेंटम मिलेगा देखने को, अब तब ऐड कर लीजिएगा। अभी फिलहाल वेट कीजिए और 2-3 साल का नजरिया रखिए। चलिए आप होल्ड करिए और 2-3 साल का नजरिया रखिए, और ब्रेकआउट अगर कुछ आता है तो यहाँ पर और ऐड करने की राय होगी सिंटेक्स प्लास्टिक्स में और हुडको में भी। अगले दर्शक थाने से हमारे साथ जुड़े हैं शांताराम जी। शांताराम जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, पूछिए। हाँ मेरे पास BEML के शेयर है, 57 शेयर। अच्छा, तो अक्टूबर में लिए है, 3 अक्टूबर में, और 1747 के रेंज पे लिए हुए हैं। काफी जी वहाँ से नीचे आ चुका। और कितना समय दे सकते हैं आप? और महानगर गैस के भी है सर। शांताराम जी माफ कीजिएगा, समय की थोड़ी कमी है, हम आपका सिर्फ एक ही सवाल ले पाएंगे क्योंकि और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशा जी बता दीजिए BEML में आप और कितना समय दे सकते हैं? 1 महीना तो रुक सकता हूँ मैडम। 1 महीना, ठीक है। सिमी BEML में क्या सजेस्ट करेंगे आप? 1 महीने का ही व्यू है और इनकी जो खरीदारी थी वहां से नीचे भी आ चुका है, कुछ स्टॉप लॉस रिकमेंड करेंगे इनको आप? जी स्टॉप लॉस ही देना पड़ेगा क्योंकि 1 महीने का नजरिया से कोई भी टारगेट देना बहुत मुश्किल है। ओवरऑल बुलिश है, मैं ये स्टॉक पसंद करती हूँ। 1600 का लो को होल्ड करने से कोई वीकनेस नहीं आएगा, इसलिए उनको 1600 का ही स्टॉप लॉस मुझे देना पड़ेगा और टारगेट के लिए 1750 से 1800 का ही देना पड़ेगा, जो कि इसको ओवरऑल 3-4 महीने का रेजिस्टेंस है। तो आपको अगर ये 1600 का रेंज होल्ड करता है तो 1800 तक का भी आपको रैली देखने को मिल सकता है, तो आप होल्ड कीजिए। और अगर आपको इच्छा है तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छा बेट है जिसमें आपको बहुत जल्दी 2000 का रेंज भी क्रॉस होते हुए देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल टाइम दीजिए, अगर टाइम दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो शॉर्ट टर्म के लिए 1 महीने के लिए 1600 के नीचे एग्जिट हो जाइए। चलिए 1 महीने का व्यू आपको दे दिया गया है, लेकिन शांताराम जी अच्छा स्टॉक आपने स्टॉक सिलेक्शन है आपका, अगर आप लंबा समय दे सकते हैं तो बेशक होल्ड करने की राय होगी BEML में। अगले दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं सुधांशु। सुधांशु नमस्कार। सुधांशु जी आवाज आ रही है आपको? चलिए इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनका सवाल ले लेते हैं। हमारे पास आया है 800 शेयर्स इन्होंने अदानी पोर्ट्स के 405 के लेवल पर लिए हैं। कितना समय और ये दे सकते हैं ये तो हमारी बात हो नहीं पाई है, बट सेमी अदानी पोर्ट ये शेयर आपको कैसा दिखाई दे रहा है, आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको? हल्का नुकसान हो रहा है यहाँ। देखिए दिखाई दे रहा है, मतलब पूजा अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखेंगे तो मुझे लगता है कि 395 इसका मेजर सपोर्ट है और ये स्टॉक 395 के नीचे चला जाएगा, वहाँ पे अगर क्लोज करता रहेगा तो मुझे लगता है कि इसमें एग्जिट लेने का सलाह देना पड़ेगा। अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म का है, मतलब उनका अगर ये स्टॉक पोजिशन अगर फ्यूचर्स का है तो मुझे लगता है कि 395 का क्लोजिंग के बाद आपको एग्जिट करने का सोचना पड़ेगा। पर अगर टाइम देना दे सकता है तो मुझे लगता है कि इसमें होल पोजीशन में मेंटेन करूंगी। ओवरऑल जो सपोर्ट है 370 से 380 का है और शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए मुझे लगता है कि वो रेंज इसका मेजर सपोर्ट एरिया का काम कर सकता है। जब तक वो रेंज होल्ड करेगा तब तक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी मेंटेन करना पड़ेगा। 450 का मिनिमम टारगेट है, वो आ सकता है, हासिल कर सकता है, पर टाइम एटलीस्ट 6 महीने का देना पड़ेगा उनको, अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस संभालना पड़ेगा। ओके, तो ये राय आपको अदानी पोर्ट में दे दी गई है। सिमी आज के लिए कोई मिड कैप पिक जो आपको पसंद आ रहा है जो आप दर्शकों को रिकमेंड करेंगी? पूजा एक्सेस किड्स एक मिड कैप में एक स्टॉक है जो मुझे अच्छा लग रहा है। लास्ट वीक को अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक दिखाया था, 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा रैली भी इसमें देखा गया था। आज भी ये 160 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, सुबह से ही मेंटेन कर रहा है, तो स्ट्रेंथ इसमें दिख रहा है। 150 के नीचे स्टॉप लगा के मैं ये स्टॉक बाई करने का या होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ। मिनिमम टारगेट 175 से 85 का है, वो भी बहुत ही शॉर्ट टर्म का है। अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाएगा तो ये स्टॉक धीरे धीरे 200 के ओर भी जा सकता है। क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा 150 और ये स्टॉक रखना है पोर्टफोलियो में। ओके, ये 2-3 दिन के लिए आप रिकमेंड कर रहे हैं सिमी? हाँ, 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए मैंने जो टारगेट और स्टॉप लॉस दिया है 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए। ओके,
तो 2 से 3 दिन के लिए सिमी की तरफ से आपको ये स्टॉक दे दिया गया है एक्सिस कैच, जहां पर 180 के तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सिमी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन फिलहाल मिड कैप बाजार में इतना ही।